राधे राधे। मेरा नाम लीला मिश्रा है और मैं दिल्ली से सुल्तानपुरी से हूँ। मैं वहीं दिल्ली में ही पढ़ी हूँ। ये गीता स्कूल है सुल्तानपुरी में, वहाँ पे मैं 5वीं तक प्राइवेट स्कूल था उसमें पढ़ी हूँ। फिर गवर्नमेंट स्कूल में 12वीं तक था, सी ब्लॉक वहाँ पे एक पढ़ता है, तो फिर मैं वहाँ पे 10वीं तक पढ़ी हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई क्योंकि 7वीं क्लास में मेरी शादी हो गई थी और मैंने 10वीं भी शादी के बाद की है। पहले के टाइम में हो जाती थी। और मेरा ससुराल भी उत्तम नगर दिल्ली में ही है और मेरे पापा टेलीफोन में सब इंस्पेक्टर थे, टेलीफोन डिपार्टमेंट उनकी सरकारी सर्विस थी। और 5 बहन हम एक भाई हैं। मैं अपने बहनों के नंबर पे चौथे नंबर पे हूँ। मैं एक अपने बचपन की आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मैं 4 या 5 साल की थी तो ऐसे मैं गोलू मोलू सी थी और फ्रॉक पहना देती थी मम्मी, और ऐसे थोड़ा क्यूट सा बच्चा गोलू मोलू लगता है ना वैसा। तो मैं एक मेरे मौसा रहा करते थे। तो खाने में तो मैं बहुत तेज थी, मेरे मौसा थे गली में ही रहा करते थे, तो मैं उनके दरवाजे पे चौखट पकड़ के रोज चली जाती थी, खड़ी हो जाती थी वहां पे। और ऐसे बच्चे देखते नहीं है झांक के ऐसे, तो मैं ऐसे देखती थी। तो वो मेरे को चीट दे दिया करते थे। वो हिंदुस्तान टाइम अखबार में काम किया करते थे उसमें, तो मेरे को रोज चीज दे दिया करते थे वो। तो बच्चों को तो आदत हो ही जाती है कि जहाँ चीज मिल रही है तो वहाँ चले ही जाते हैं, तो मैं भी चली जाती थी। तो ऐसे ही मेरे को रोज दे दिया करते थे। कभी कभार होता था कि नमकीन नहीं होती थी, नमकीन के पैकेट उनको मिला करते थे वहाँ से, तो वो डेली मेरे को दे दिया करते थे। कभी कभार होता था कि नहीं होता था, मैं चली जाती, वो समझते बच्चा खाली हाथ जाएगा। तो इस वजह से मेरे को चने की दाल वो कुछ भी पकड़ा देते थे जो चीज़ उनके पास हुआ करती थी। और मैं फिर वहाँ से आके हमारे गली के कोने पे एक मकान था और वहाँ पे खा लेती थी, सारी चीज़ें वहीं खा लेती थी। और तब घर जाती थी, घर पे कोई बहन भाई ना ले ले मेरे से, वहाँ पे खा लेती थी, ख़त्म कर देती, फिर मैं घर जाती। तो ऐसे ही जब और बच्चे देखते तो वो बच्चे भी मांगते जो मेरे साथ खेलते थे गली के, तो मैं उनको भी दे उनको। तो मैं चीज़ तो खाने वाली कोई चीज़ देती नहीं थी उनको। फिर मैं उनको कहती मैं जहाँ से लाई हूँ तुम भी वहीं से ले आओ। तो वो कहते कौन दे रहा है, तो मैं कहती मेरे मौसा देते हैं, तुम्हें लेके चलूंगी। उनको लेके चल देती मैं। अब वहाँ पे हम सारे ही खड़े हो जाते, तो मौसा कितना देंगे, फिर सभी को वो दे देते थे। फिर हम वहीं टोली बना के वहीं खाते थे सारे बचपन में। ऐसे ही क्या करती थी वो मौसा, मेरे खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनाते थे, बहुत खुशबू आती थी अच्छी, पता नहीं क्या डालते थे जब तो मैं बहुत छोटी थी। अब आज अगर होते तो मैं उनसे पूछती भी कि मौसा ऐसा क्या डालते हो आप। वो खुशबू आज भी मेरे को नाक में अपने महसूस होती है जब, कि ऐसी बनाते थे, पता नहीं क्या डालते थे। मगर वो तो बहुत सादा खाना खाया करते थे। एक बार हिंदुस्तान टाइम हम अपने मैं अपने भाई के साथ गई थी, तो वो तो चने हुए भिगोए हुए और सेब हुआ ये सब, तो बोले कि आप तो बेटा खाओगे नहीं ये चीजें। तो हमने थोड़ा बहुत तो खाया, मगर हमने कहा मौसा हमारा पेट नहीं भरेगा इससे। तो मौसा कह रहे ठीक है, कैंटीन जब खुलेगी तो फिर आप खाना खा लेना। तो हमने वहाँ खाए कढ़ी चावल और दाल चावल रोटी, ये थी लास्ट में बालूशाही आई थी खाने के लिए। तो मेरे भाई को तो वो कढ़ी पसंद नहीं थी, तो दोनों दाल मेरी साइड मेरे को दे दी उसने, वो दाल मैंने उसको दे दी और कड़ी फिर मैंने खाई। उसको दाल पसंद है पीली, वो पीली दाल के नाम से ही बोलता भी था, पीली दाल ही पसंद थी उसे। तो यही है, मैं मौसा बहुत अच्छे थे, हिंदुस्तान टाइम अखबार में काम किया करते थे वो। एक अच्छा पल था मेरे लिए वो, मैं आपको सुना रही हूँ। कल मिलते हैं नए किस्से के साथ, खुश रहिए। राधे राधे।